हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगेस्ट ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर के ऊपर, जो कि था बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसका कंपोनेंट्स, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री, गिव रीजन इन ईच केस। तो हमें बताना है कौन सा विजिबल है, कौन सा इनविजिबल आइटम्स है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया इस टॉपिक को। चलिए बताइए, एक्सपोर्ट ऑफ स्टील क्या होगा? एक्सपोर्ट ऑफ स्टील एक क्या होता है, विजिबल आइटम्स के अंदर आता है। तो ये हो गया विजिबल आइटम। तो आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ स्टील इज अ विजिबल एक्सपोर्ट सिंस इट इज अ एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड, एक सामान का एक्सपोर्ट है, इसलिए ये विजिबल आइटम हो गया। इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, ये भी एक गुड्स का इम्पोर्ट है, तो ये आ गया विजिबल आइटम के अंडर में। फिर स्पेंडिंग बाई फॉरन टूरिस्ट इन इंडिया, ये क्या होगा? तो फॉरन टूरिस्ट आती है, वो लोग यहाँ पे घूमने, फिर यहाँ से कुछ खर्च करके चली जाती है ना, तो मतलब वो लोग क्या कर रही है, हमारे सर्विस को यूज़ कर रही है, तो ये क्या हो गया, एक इनविजिबल आइटम हो गया। ठीक है, और नंबर फोर्थ जो है वो हो गया टेक्निकल फीस पेड टू फॉरेन इंजीनियर्स हायर्ड बाय कंपनीज इन इंडिया। तो इंडियन जो कंपनी है वो फॉरेनर्स को कुछ पे कर रही है उनका कुछ सर्विसेज यूज़ करने के लिए, तो ये अभी सर्विसेज का मामला है, तो ये भी इनविजिबल आइटम हो गया। देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है, टेक्निकल फीस पेड टू फॉरेन इंजीनियर्स हायर्ड बाय कंपनीज इन इंडिया आर इनविजिबल इंपोर्ट्स, क्योंकि इट इज़ एन इम्पोर्ट ऑफ टेक्निकल सर्विस। ठीक है, हम लोग उनका सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये हो गया इनविजिबल इम्पोर्ट। ईजी है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट आइटम्स। बताना है कौन सा करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो हमें पता है करेंट अकाउंट आइटम्स में क्या क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स मतलब सर्विसेज, और आपका होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये तीनों चीज़ मिलकर आता है करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका आ जाता है मेनली बोरोइंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब आता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। और हम लोगों ने और भी चीज़ें देख रखा है कि करंट अकाउंट में वो सब आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं जो कंट्री के एसेट लाइबिलिटी को, एसेट या फिर लाइबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करते हो, और कैपिटल अकाउंट में वो सब होते हैं जो कंट्री के एसेट या फिर लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हो। ठीक है, तो देखिए एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी एक टाइप का गुड है, सामान है। ठीक है, तो ये आ गया आपका करंट अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी क्रिएट्स इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, इनफ्लो होगा उसका, विदाउट क्रिएटिंग फ्यूचर लाइबिलिटी और रिड्यूसिंग एनी एसेट, लाइबिलिटी एसेट को अफेक्ट नहीं करता है ये, हेंस इट इज़ अ करेंट अकाउंट आइटम। ठीक है यहाँ तक। फिर यूज ऑफ शिप्स ओन्ड बाई फॉरेनर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई कंपनीज इन द कंट्री, तो फॉरेनर्स जो है वो हमारे शिप्स को यूज़ करते हैं, तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये भी आता है करंट अकाउंट में। ठीक है, फिर आपका हो गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो तो ये आता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, बोरोइंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, ये सब आता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, रीज़न यहाँ पे दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, वही लिखा हुआ है फिर से कि ये देखिए क्या लिखा हुआ है बोरोइंग वाले में, बोरोइंग फ्रॉम IMF इज अ कैपिटल अकाउंट आइटम बिकॉज इट क्रिएट्स फ्यूचर लाइबिलिटी, यहाँ तक ठीक है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट भी क्या करता है, फ्यूचर लाइबिलिटी क्रिएट करता है, इसलिए ये दोनों ही आता है आपका कैपिटल अकाउंट के अंडर में। ठीक है, ईजी। चलिए थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में हमें कैटेगराइज करना है द फॉलोइंग इनटू क्रेडिट एंड डेबिट आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बताना है कौन सा क्रेडिट आइटम है, कौन सा डेबिट। तो अगर कहीं से भी इनफ्लो हो रहा है तो वो आता है क्रेडिट आइटम के अंडर में, और कहीं अगर आउटफ्लो हो रहा है तो वो आपको, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो क्रेडिट, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो डेबिट। ठीक है, तो देखिए एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो ये आपका हो गया क्रेडिट आइटम्स के अंडर में। ठीक है, ये रहा यहाँ पे लिखा होगा इट्स क्रेडिट आइटम बिकॉज इट क्रिएट्स एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इजी। फिर एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी बाय एन इंडियन, बाय एन इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को खरीद रही है, इंडियन कंपनी जो है वो फॉरेन कंपनी को खरीद रही है, तो हमें कुछ पे करना होगा, तो पे कर रहे, तो यहाँ पे ये हो गया डेबिट आइटम। ठीक है ना, ये रहा ये डेबिट आइटम है। थर्ड नंबर जो है ग्रांट गिवन टू अ फॉरेन कंट्री फॉर फ्लड रिलीफ, दूसरे कंट्री को हम लोग कुछ पे कर रहे हैं, तो ये भी आ गया डेबिट आइटम में, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो थर्ड वाला का आंसर भी होगा डेबिट, ये रहा डेबिट लिखा हुआ है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है बोरोइंग बाय एन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी बोरो कर रही है, मतलब आ रहा है हमारे कंट्री में,
तो ये हो गया क्रेडिट आइटम, ठीक है यहाँ तक। और एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये रहा क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री स्टेट गिविंग रीजन whether it is an item of balance of trade या फिर balance of invisible trade या फिर balance of unilateral transfer या फिर balance of capital account, हमें बताना है कि ये कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा। तो import of oil ये आता है balance of trade के अंडर में, क्योंकि ये एक export या import of visible item है, ठीक है, export import of good है ये। फिर आपका हो गया aid from a foreign country in the form of grant, दूसरे कंट्री से पैसा मिला है लेकिन ग्रांट के रूप में, तो ये एक टाइप का unilateral transfer है, तो ये आपका हो जाएगा बैलेंस ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंडर आएगा ये, ठीक है। फिर एड फ्रॉम फॉरेन कंट्री इन द फॉर्म ऑफ अ लोन, किसी से लोन ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो ये आ गया आपका कैपिटल अकाउंट के अंडर में। और फोर्थ वाला है डिविडेंड्स पेड टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर वो लोग इन्वेस्ट किए हैं उनको कुछ प्रॉफिट पे किया जा रहा है, मतलब उनका सर्विसेज के लिए हमें कुछ पैसा दे रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड के अंडर में। सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है यहाँ पे, तो हम लोग उसको डालते हैं कैपिटल अकाउंट के अंडर में, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड है तो डिविडेंड आपका आ जाता है इनविजिबल ट्रेड के अंडर में, ठीक है। ये रहा इनविजिबल आइटम से, वही लिखा हुआ आंसर में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, इतना ही फिर आज का वीडियो, मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट, ठीक है। चलिए फिर इतना ही है, मिलते हैं अगले पार्ट में।